अंबेडकर क्या कम इंटेलिजेंट थे? बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने वोट का अधिकार दिलाया, बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस ने हराया दो दो तीन तीन बार। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने एक संदेश दिया और वही संदेश मैं यहाँ 26 अलीपुर रोड से दे रहा हूँ आज के दिन, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के दिन। ये जय 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 भीम करने वालों को, तीन तीन बार जय 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 भीम के नारे लगाने वालों को संदेश ये है कि क्या बाबा साहब ने गलत सेंटेंस बोला था? कांग्रेस इज बर्निंग हाउस, कांग्रेस जलता हुआ घर है, कांग्रेस के 54 के मेंबर नहीं बनना। तो फिर ये कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले कौन लोग हैं? जय भीम करने वाले यही नकले अंबेडकर वादी हैं। एनालिसिस कीजिए तो 26 सीटें ऐसी हैं जिसमें 26 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पे थी या तीसरे नंबर पे थी। लेकिन सर वोट परसेंट तो नीचे गए ना, भले वोट परसेंट ठीक है 3.8% बचाओ आंदोलन कभी साहब, ये संविधान बचाओ आंदोलन, संविधान कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा। आरक्षण कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा। अपनी सरकार बनाओ, अपनी सरकार बनाओ। अरे भाई माननीय काशीराम साहब कहते हैं अपनी वोट की कीमत बहन बेटियों से ज्यादा, समझो ना। तो क्या ये जय भीम करने वालों ने, यहाँ माननीय काशीराम साहब का नाम लेने वालों ने, इन्होंने क्या अपने वोट की कीमत बहन बेटियों से कम समझी क्या? ये क्यों बचते ना? बहुजन समाज पार्टी आपको ऑफर करती है कि आपको पार्टी अपनी विलय करो, सारी पार्टियां विलय करो, एक एक आपको एमपी की सीट दे दें। ये कहा था कि अगर मेरा चरित्र ठीक नहीं होता तो ये कांग्रेसी लोग मुझे फाड़ के खा जाते। बाबा साहब का चरित्र इतना ज्यादा मजबूत था इसलिए डरते थे। माननीय काशीराम साहब का चरित्र इतना मजबूत था इसलिए माननीय काशीराम साहब की तूती बोलती थी। आज नेता लोगों का करेक्टर नहीं है जो बहुजन आंदोलन चला रहे हैं, बहुजनों की पार्टियां हैं, जो भी बहुजनों की पार्टियां हैं उनका चरित्र नहीं है, और जब चरित्र नहीं है तो जनता में विश्वास नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। आज है हम 26 अलीपुर रोड पर, वही 26 अलीपुर रोड जहां पर परम पूज्य बाबा साहब ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी। आज यहां पर बहुजन समाज के तमाम लोग उमड़े हैं उनको आदरांजलि देने के लिए। इसी कड़ी में मेरे साथ में अनिल जी हैं, उन्हीं से जानना चाहूंगी। अनिल जी, जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब का जीवन संघर्ष समर्पण इस देश के तमाम लोगों के लिए रहा, तो क्या लगता है आज हम देख रहे हैं कि सिर्फ खाली बहुजन समाज के लोग ही यहां पर आदरांजलि देने के लिए आए? क्या सिर्फ बाबा साहब ने बहुजन समाज के लिए किया? बाबा साहब ने पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों की तरफ से, मैं बाबा साहब को आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उनको श्रद्धांजलि के श्रद्धा के सुमन समर्पित करना चाहूँगा। जो लोग यहाँ आए हैं उनके उनके तरफ से भी, और जो लोग यहाँ नहीं आए हैं उनकी तरफ से भी, पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों की तरफ से, भारतीयों की तरफ से मैं बाबा साहब को श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। आपने 140 करोड़ की तरफ से तो श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए, लेकिन मेरा सवाल यह कि जो लोग हमेशा आरक्षण के खिलाफ जाकर बात करते हैं, सत्ता पर बैठी हुई मनुवादी विचारधारा के लोग, वो कब सही रूप से बाबा साहब को समझेंगे? समझ रहे हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे समझ रहे हैं। उसमें से दो तरह के लोग हैं, जो समतावादी व्यवस्था में अब कुछ लोग आने लगे हैं, ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि सभी लोग नहीं समझते। उनमें हर जाति में, हर वर्ग में, हर धर्म में और हर समाज में अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि कुछ लोग हैं जो बराबरी की विचारधारा में विश्वास करते हैं और कुछ गैर बराबरी की विचारधारा में विश्वास करते हैं। तो गैर बराबरी की विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग भारत में सिर्फ 10-12% लोग हैं, बाकी 80-90% लोग हैं वो बाबा साहब की, तथागत बुद्ध की, फूले के पेरियार की, बहुजन विचारधारा, समता, मैत्री, भाईचारा और बराबरी की विचारधारा में विश्वास करते हैं। अब जो 10% लोग हैं और उनमें से भी जो मनुवादी लोग हैं, मतलब गैर बराबरी की सोच और भावना रखने वाले लोग, जो ब्राह्मणवादी या मनुवादी विचार के हैं, वो लोग नहीं विश्वास रखते, तो उनको हम क्या कह सकते हैं? आपने 10% और यहाँ पर 90% की बात करी, तो एक सवाल जानना चाहूंगी। अभी जिस तरह से 4 राज्यों में चुनाव हुए और 4 राज्यों के जो नतीजे आए हैं, 10% कहीं ना कहीं उस 90% पर हावी हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे? 90% समाज असंगठित नहीं है वैचारिक रूप से या एक तरह से मैं कहूँ सामाजिक रूप से? आपने बिल्कुल बहुत गंभीर प्रश्न पूछा है और उसका बड़ा सिंपल सा उत्तर देता हूँ।
जो 90% लोग, जिसको मान्यवर काशीराम साहब की भाषा में 85% बहुजन लोग, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के लोग, जो वो इस समय जातियों में बटे हैं, धर्मों में बटे हैं, संगठनों में बटे हैं, और डिपार्टमेंट के संगठनों में बटे हैं, और जातियां तो 6743 जातियां हैं, उनकी जेलों में कैद हैं, तो फिर वो लोग बटे हैं, एक तरफ तो बटे हुए हैं, लेकिन वो जय भीम करते हैं। लेकिन जहां तक राजनीतिक विचारधारा की बात आती है, वहां वो लोग विखंडित हैं, बुरी तरह से विखंडित हैं। वो कभी स्वार्थ की वजह से 5 किलो अनाज में बिक जाते हैं, कभी कभी वो सामाजिक संगठनों द्वारा भ्रमित कर लिए जाते हैं, कभी वो धर्म के नाम पे चले जाते हैं, कभी वे बुद्ध धर्म के द्वारा दीक्षा कराए जाने वाले भिक्षुओं के द्वारा मिक्स गाइड होकर के और बीजेपी के लिए काम कर जाते हैं, कभी बुद्ध धर्म की दीक्षा करने वाले लोग कभी कभी बुद्धम शरणम गच्छामि करते करते और वो बीएसपी के अगेंस्ट वोट देते हैं। तो लोग सिर्फ दो विचारधाराएं, मनुवादी व्यवस्था और अंबेडकरवादी विचारधारा में, दो में नहीं बटे हुए हैं, वो जातियों में बटे हुए हैं, राजनीतिक संगठनों में बटे हुए हैं, और अब तो जातियों की पार्टियां बनने लगी हैं। नीलम जी, जातियों की पार्टियां बनाने लगे हैं लोग, ये एक बहुत खतरनाक नया ट्रेंड चला है। और जातियों की पार्टियां बनाने वाले लोगों को एक मैं संदेश देना चाहूंगा। संदेश ये है, जो लोग जातियों की पार्टियां बना करके क्या करते हैं, उसके बाद में वो बीजेपी और कांग्रेस में विलय करते हैं। तो जिन लोगों को एमएलए एमपी बनना है सिर्फ पार्टी बनाने के लिए, आओ ना, बहुजन समाज पार्टी आपको ऑफर करती है कि आपको पार्टी अपनी विलय करो, सारी पार्टियां विलय करो, एक एक आपको एमपी की सीट दे देंगे। आओ, हमारा बीएसपी का खुला ऑफर है कि जितनी जातियों के नाम से पार्टियां बनाने वाले लोग हैं, जितने जाट सभा वाले हैं, जितने 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 शाक्य समाज वाले हैं, जितने कुर्मी वाले हैं, आओ भाई, एक एक कुर्मी को सीट देते हैं, एक नाई को सीट देते हैं। बहुजन समाज पार्टी तो प्रतिनिधित्व देती है, ओबीसी को देती है, मुसलमानों को देती है। हाँ, बीजेपी और कांग्रेस, मैं यहां दिल्ली से खुल के कह रहा हूं कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सिर्फ मुसलमानों को 2 सीटें दी। ये बताइए, पूरे मध्य प्रदेश जिसमें दो कितने 250 सीटें थी, उसमें से 2 सीटें मुसलमानों को देंगे और वोट पूरे मुसलमानों के ले जाते हैं। बीजेपी तो मुसलमानों को 1 सीट भी नहीं देती। हाँ, बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी ने पिछले साल 100 मुसलमानों को खड़ा किया था। अब मुसलमान लोग वोट ना दें तो क्या कह सकते हैं। हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में 4 राज्यों में चुनाव हुए और जो वोट परसेंट है वो काफी नीचे गया, और अगर सीट के मामले में बात करें तो एक तरह से पूरा का पूरा सपोड़ा साफ हो गया। तो इस किस तरह से लोग बहुजन समाज पार्टी में जुड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता उसका भी मनोबल टूटा हुआ है। आप एनालिसिस कीजिए, जैसे मध्य प्रदेश में एनालिसिस कीजिए, तो 26 सीटें ऐसी हैं जिसमें 26 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पे थी या तीसरे नंबर पे थी। लेकिन सर, वोट परसेंट तो नीचे गया है ना, भले वोट परसेंट ठीक है, 3.8% मध्य प्रदेश में, यहाँ 4.2% और वहाँ 1.8%, इतना नहीं है, इतना नीचे नहीं है जी। अभी आपने एक बात करी थी कि जो अन्य लोग है 10% है, वो बहुजन समाज के लोग, चाहे धर्म के आधार पर या राजनीति के आधार पर या समाज सेवा के काम के आधार पर बरगला लेते हैं, वो 10% कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ये 90% कामयाब क्यों नहीं हो रहा है? क्या ये नकारा हो गया है कि काम नहीं कर पा रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये परसेप्शन की लड़ाई है। जब ये देखते हैं कि बीएसपी के खिलाफ एक दूसरा भी एक जय 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 भी माला आ गया है और वो बीएसपी के खिलाफ, तो क्या होता है, बहुजन समाज पार्टी के वोट दो जगह पर, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो परसेप्शन का मामला है यहाँ पर। राजनीति सीधे सीधे 2+2 नहीं होती है। राजनीति में परिणाम में मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। बाबा साहब अंबेडकर क्या कम इंटेलिजेंट थे? बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने वोट का अधिकार दिलाया, बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस ने हराया 2-2, 3-3 बार। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने एक संदेश दिया, और वही संदेश मैं यहाँ 26 अलीपुर रोड से दे रहा हूँ आज के दिन, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के दिन। ये जय 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 भीम करने वालों को, 3-3 बार जय 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 भीम के नारे लगाने वालों को संदेश ये है कि क्या बाबा साहब ने गलत सेंटेंस बोला था? कांग्रेस इज बर्निंग हाउस, कांग्रेस जलता हुआ घर है, कांग्रेस के 54 के मेंबर नहीं बनना।
तो फिर ये कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले कौन लोग हैं जय भीम करने वाले? यही नकली अंबेडकरवादी हैं। दूसरी बात, जो माननीय काशीराम साहब के नाम से, अब सब लोग साहब माननीय काशीराम साहब के नाम आप पार्टी भी लगाती है और बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे बामसेब के लोग, ये बामसेब के लोग से काम करने वाले लोग जो छुपे हुए नकली अंबेडकरवादी लोग, ये माननीय काशीराम साहब को माननीय काशीराम साहब तो कहते हैं, लेकिन माननीय काशीराम साहब ने जो पार्टी बनाई उसमें वोट डालने की बात कभी नहीं कहते। तो फिर बाबा साहब की बात आज परिनिर्माण पे करूंगा कि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि कांग्रेस के लोग, अगर मेरा चरित्र अच्छा नहीं होता तो कांग्रेस के लोग मुझे फाड़ के खा जाते। तो बहुजन समाज के नेताओं का, कांग्रेस तो सत्ता में ही नहीं है आज, हम लगातार कांग्रेस पर ही बात क्यों कर रहे हैं, सत्ता में नहीं है वो। मैम, बाबा साहब की बात को पूरा कर लेंगे। बाबा साहब ने ये कहा था कि अगर मेरा चरित्र ठीक नहीं होता तो ये कांग्रेसी लोग मुझे फाड़ के खा जाते। बाबा साहब का चरित्र इतना ज़्यादा मजबूत था इसलिए डरते थे। माननीय काशीराम साहब का चरित्र इतना मजबूत था इसलिए माननीय काशीराम साहब की तूती बोलती थी। आज नेता लोगों का करेक्टर नहीं है जो बहुजन आंदोलन चला रहे हैं, बहुजनों की पार्टियाँ हैं, जो भी बहुजनों की पार्टियां हैं, उनका चरित्र नहीं है। और जब चरित्र नहीं है तो जनता में विश्वास नहीं है। लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। इन नेताओं को अपना चरित्र देखना पड़ेगा। क्या वो वास्तव में, क्या ये जातियों की जेलों में कैद लोग, ये जातियों की जेलों में कैद पार्टियां, जातियों की जेलों में कैद पार्टियां क्या 2024 में जनगणना के मुद्दे पे लड़ पाएंगे इलेक्शन? ये जातियों की जेलों में कैद सपा बसपा और जितनी भी पार्टियां, जितनी भी बहुजनों की पार्टियां, RLD, AD, OD, शरद पवार उसे लेके जितने भी बहुजनों की पार्टियां, मैं बहुजनों की पार्टियों के चैलेंज देता हूं कि ये इंडिया गठबंधन बीजेपी गठबंधन, अरे भाई आओ अलीपुर, 26 अलीपुर रोड से आह्वान देता है अनिल कुमार, आओ बहुजनों का महागठबंधन बनाए। क्यों नहीं बन सकता अनिल जी? जिस तरह से पूज्य बाबा साहब कहते थे और माननीय काशीराम जी ने भी अक्सर जोर दिया कि जब तक आपकी सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी तब तक आप राजनीतिक सत्ता हासिल नहीं कर सकते, इसी तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने सामाजिक जड़ों के साथ साथ में धार्मिक जड़ों पर भी काम किया और इस देश के लोगों को एक सच्चा, एक वैज्ञानिक धर्म दिया। लेकिन आज विडंबना है कि लोग सामाजिक आंदोलन तो कर रहे हैं लेकिन उस धार्मिक आंदोलन से बहुत दूर है। अभी सामाजिक आंदोलन नहीं कर रहे हैं, सामाजिक आंदोलन नहीं कर रहे, वो अपने धंधे चला रहे हैं, चंदे इकट्ठे कर रहे हैं, जय भीम की जयंती मना रहे, वो सामाजिक आंदोलन नहीं कर रहे। सामाजिक आंदोलन सही मुद्दों पर होना चाहिए। जैसे इन्होंने, जय भीम करने वालों ने आंदोलन चलाया आरक्षण बचाओ आंदोलन। क्या आरक्षण बचा? मैं प्रश्न पूछता हूं, जितने भी आरक्षण बचाओ आंदोलन करने वाले जय भीम वालों से प्रश्न करता हूं, क्या आरक्षण बचा? नहीं बचा। तो फिर आजकल ये नया एक कि संविधान बचाओ आंदोलन, अगर ये इसी तरह से संविधान बचाते रहे तो संविधान नहीं बचेगा, क्योंकि ये नारे जो हैं, ये नारे आरएसएस द्वारा दिए जाते हैं, कांग्रेस और बीजेपी द्वारा दिए जाते हैं, और हमारे बिना पढ़े लिखे ना समझ लोग इन नारों को लेके चल जाते हैं। कभी आरक्षण बचाओ आंदोलन, कभी साहब ये संविधान बचाओ आंदोलन। संविधान कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा। आरक्षण कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा। अपनी सरकार बनाओ, अपनी सरकार बनाओ। अरे भाई, माननीय काशीराम साहब कहते हैं अपने वोट की कीमत बहन बेटियों से ज्यादा, समझो ना। तो क्या ये जय भीम करने वालों ने, यहाँ माननीय काशीराम साहब का नाम लेने वालों ने, इन्होंने क्या अपने वोट की कीमत बहन बेटियों से कम समझी क्या? ये क्यों बटते? मैं इसलिए, माननीय काशीराम साहब कहा करते थे मनी मीडिया माफिया। अब सरकार हजार हजार रुपए देकर के ये रिश्वत दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस के लोग सत्ता में आकर के, अब देखिए ना, 1 करोड़ लोगों को मध्य प्रदेश में रिश्वत दी, हजार हजार रुपए 6 महीने पहले से रिश्वत दी, तो उन्होंने वोट दिए। मामला है और मीडिया, लेट मी कंप्लीट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मीडिया में दो, बहुजन मीडिया, दो तरह के मीडिया, मनवादी मीडिया और बहुजन मीडिया। तो क्या कारपोरेट मीडिया, ये टीवी चैनल वाले लोग क्या बहुजनों की बात करते हैं? बहुजन कोई समस्या उठाते हैं? NDTV से लेकर कोई नहीं, कोई बात बहुजनों की समस्याओं पे कोई बात नहीं करता। कोई कारण देखिए, मनी तो वो सरकार से ऐसे वोट देके खरीद लिया, दूसरा मीडिया, कारपोरेट मीडिया जो है वो कभी बहुजनों की बात नहीं करता टीवी पे। तीसरी बात रही, अब ये बहुजन मीडिया, ये आप जैसे लोग
बहुत सारे ईमानदार लोग भी हैं, लेकिन इसमें भी कितने हैं जो सिर्फ बहुजनों की पार्टियों की बात करते हैं। कहीं बहुत सारे ऐसे यहाँ पे होंगे चैनल जो कांग्रेस के लिए भी काम कर रहे हैं, वो और पूछिए उनसे, वो लोग हमसे प्रश्न पूछना चाहें पूछें। खासकर मैं कांग्रेस के लिए काम करने वाले यूट्यूब चैनल को उन लोगों को आमंत्रित करता हूं मुझसे प्रश्न पूछे। चक्कर तो हमारी बीजेपी से है, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, उसको क्यों कोसते हो बार बार? एक मिनट, कांग्रेस और बीजेपी, ये कांग्रेस और बीजेपी पार्टियां नहीं है, ना कांग्रेस ना बीजेपी ना आप, ये सारी आरएसएस है, आरएसएस की पार्टियां हैं।